आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हाँ जी, आपके 2B में ITC अभी भी नहीं आ रहा। 2A में ITC आ रहा है लेकिन 2B में ITC नहीं आ रहा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और इसका हमें क्या सॉल्यूशन करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझिए। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की। अप्रैल की 3B का टाइम लिमिट जा चुकी है। पहले 20 तारीख डेट थी, 24 तारीख हुई उसके बाद, लेकिन वो टाइम भी जा चुका है। जब मैं अप्रैल की यहाँ पर जाकर 2A देखता हूँ तो अप्रैल के 2A में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बिल होंगे जो कि अप्रैल के ही हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ये सारे बिल अप्रैल के हैं। अप्रैल 22 का पीरियड है और सबकी GSTR 1 और IFF जा चुका है और ऑन टाइम जा चुका है। अगर आप DGN इंडस्ट्रीज को देखो, इसने 5 मई को ही अपना GSTR 1 या IFF भर दिया था, लेकिन इतने सारे बिल हैं, इनमें से कोई भी बिल हमारा 2B में नहीं आ रहा। अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर, ये आपने देख लिया कि 2A में बिल आ रहे हैं अप्रैल के, लेकिन ये बिल जैसे ही मैं 2B में जाकर देखता हूँ, ये इनमें से कोई भी बिल 2B में नहीं आ रहा। तो अब इस केस में करना क्या है, पहले मैं आपको 2B दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं आपको 2B दिखाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ एक बिल आ रहा है और वो भी हमारा प्रीवियस पीरियड का बिल है। कौन से महीने का बिल है? ये जनवरी का बिल है, 2B में आ रहा है। अप्रैल के कोई भी बिल 2B में आ ही नहीं रहे। अब मैं अप्रैल के अंदर ITC कैसे लूं? ये बड़ी समस्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 2B में इसका ITC बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसे 3B में लेकर जाता हूँ तो 3B के अंदर भी, अगर आप देखोगे तो 3B के अंदर भी ऑटोमेटिकली कोई ITC नहीं आ रहा। 12,168 का ITC आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड 3B देखता हूँ तो उसके अंदर भी, अगर आप देखोगे सिस्टम जनरेटेड 3B के अंदर भी ITC नहीं आ रहा। क्या ये समस्या आपके साथ भी है? अगर समस्या आपके साथ भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इस समस्या का समाधान क्या है। यहाँ पर देखो, मेरा ITC नहीं आ रहा। तो अब इस समस्या का समाधान करे तो करे क्या? तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये पोर्टल की गलती है, इसमें हमारे सप्लायर की कोई गलती नहीं है। उसने अपनी GSTR 1 IFF को सही टाइम पर भर रखा है और यहाँ पर पोर्टल की गलती है। पोर्टल हमारे 2B में ITC को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब ये पोर्टल अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो इस केस में क्या करें? भैया सबसे पहले इस केस में आप एक ग्रीवेंस फाइल करो और ग्रीवेंस में लिखो कि भाई हमारे 2A में ITC आ रहा है लेकिन 2B में नहीं आ रहा, तो हम इस केस में क्या करें? तो ग्रीवेंस वाले आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर ग्रीवेंस वालों में तो टाइम बहुत लग जाएगा, अब 3B भरे या ना भरे ये बताओ। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में, तो मैंने उनसे बात करी कि भाई आपका ITC जो है वो 2A में तो आ रहा है 2 लाख रुपए, आपकी बुक्स में भी 2 लाख रुपए आ रहा है लेकिन 2B में नहीं आ रहा, तो बताओ हम क्या करें। अब क्लाइंट ने कहा भैया बताओ ये तो गलती पोर्टल केस में क्या करें। मैंने कहा अगर मैं 3B में तुम्हारा ITC डाल देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 2A तो आपको कल को नोटिस आ सकता है। अब कई एक्सपर्ट का मानना ये है कि भाई अगर 2B में ITC नहीं आता तब भी आप ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं तो रूल 36(4) को मानता हूँ, तो रूल 36(4) के हिसाब से मैं ITC तभी क्लेम करता हूँ जब मेरे 2B में आता है। तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट में अगर आप ITC क्लेम करना चाहते हो 3B में, तो यहाँ पर क्लाइंट का रिस्क हो सकता है। आप इसमें अल्टरनेटिव ये कर सकते हैं कि अगर आपके क्लाइंट की उस महीने लायबिलिटी नहीं है तो आप ITC क्लेम ना करें, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर लें। लेकिन अगर आपके क्लाइंट का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 2 लाख का ITC और 2.5 लाख की 3 लाख की लायबिलिटी है और क्लाइंट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप ITC से ही एडजस्ट करो, तो इस केस में अगर आप ITC क्लेम कर लेते हो 2A के बेसिस पर, तो यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि भाई कल को नोटिस आ सकता है तो हमें उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन यह पोर्टल की बहुत बड़ी गलती है, पोर्टल को अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए। अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और हाँ, GST का एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसका लिंक लेना चाहते हैं
और अगर आप ये चाहते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करें, अपना 2A2B चेक करें, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर आप हमारी टीम के थ्रू खरीदेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, केडीके का सॉफ्टवेयर है एक्सप्रेस जीएसटी। अगर आप KJC20 कोड लगाते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। और ये जो समस्या आ रही है, इन समस्याओं के साथ अपनी प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी अच्छी जॉब ले, कैसे डिपार्टमेंट में जाकर विजिट करें, कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना बिजनेस बढ़ाएं, ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं इस शनिवार को 28 मई को 5 बजे। ये हमारे लक्ष्मी नगर ऑफिस में होगी। तो दिल्ली NCR के लोग हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और जो इससे बाहर के लोग हैं वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पैनल डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और आप मुझे बताना क्या ये पोर्टल की गलती है या नहीं, क्या गवर्नमेंट को इस गलती को सुधारना चाहिए या नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जो आपका स्टेटस होता है उस पर इस वीडियो को लगा लो, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया है, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा लो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।